नमस्कार, मैं हूं मुन्ना राजपूत। आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। MP7 न्यूज की टीम इस वक्त खड़ी हुई लौकुश नगर के अटकोहा तेगेला पर। यह लौकुश नगर का वह अटकोहा तेराहा है जो आम दिनों पर बहुत ही व्यस्त इलाका दिखाई देता था। यहां पर लोगों की काफ़ी तादाद में भीड़ देखी जाती थी, लेकिन COVID-19 की महामारी के चलते ये जो दूसरी लहर चल रही है, दूसरी लहर में सरकार द्वारा जो कोरोना कर्फ्यू का आदेश दिया गया है, इस आदेश के तहत लौकुश नगर में भी कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत मार्केट बंद चल रहा है और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंदिश है। और जो आवश्यक कार्य के लिए लोग निकल रहे हैं वो भर मात्र सड़क में दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग सड़कों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। MP7 न्यूज़ की टीम में मैं मुन्ना राजपूत और मेरे साथी रिपोर्टर आशांक सिंह के साथ आज हम आपको लौकुश नगर की गलियों की वो तस्वीरें दिखाएंगे कि लौकुश नगर में कोरोना कर्फ्यू के कारण कैसा माहौल है, कैसा वातावरण आज दिखाई दे रहा है, कितनी चहल पहल दिखाई दे रही है और कैसी जो है सुनसान और सुनापन लौकुश नगर में दिखाई दे रहा है, ये हम आपको आज अपने इस खबर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। लौकुश नगर के यह पुराने बाजार जिसको इतवारी बाजार कहते हैं, उसके पास का इलाका है जो आम दिनों में काफ़ी भरा हुआ रहता था, लोग यहाँ पर काफ़ी तादाद में रहते थे, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के कारण आप देख सकते हैं कि एक या दो लोग ही मात्र ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो किसी आवश्यक कार्य से निकल रहे हैं, बाकी लोग अपने घरों पर बने हुए हैं। देखिए, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये लौकुश नगर का रिप्टा चौराहा का सबसे व्यस्ततम इलाका माना जाता है। यहाँ पर बहुत ही संख्या में लोग इकट्ठे रहते थे, लोगों की काफ़ी चहल पहल देखने को मिलती थी, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के कारण आज यहाँ पर पूरी तरह से सुनसान और सुनापन इलाका देखने को मिल रहा है। आगे हम आपको और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं लौकुश नगर की गलियों के क्या हाल हैं। ये इलाका आप देख रहे हैं लौकुश नगर की पुरानी तहसील के पास का इलाका, यहाँ पर भी आम दिनों में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज ये पूरा इलाका सुनसान दिखाई दे रहा है। कोरोना कर्फ्यू के कारण पूरी तरह से लोग अपने घरों के अंदर बने हुए हैं। ये हम आ गए हैं खांजा बाबा के पास। यहाँ पुराने बस स्टैंड और खांजा बाबा के बीच का यह इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग बिल्कुल ही नाके बराबर की तादाद में हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये कृषि ट्रैक्टर जा रहा है जो किसी कृषि कार्य के उपयोग के लिए जा रहा है, और आप देख सकते हैं ये पुरानी बस स्टैंड का इलाका, पुराने बस स्टैंड के पास ये आप देख सकते हैं हम चंदा रोड की ओर जा रहे हैं। ये चौराहा देख रहे हैं आप, ये बस स्टैंड का जो तिराहा है यहाँ पर पूरी तरह से सुनसान है। ये लौकुश नगर के चंदा रोड की ओर जा रहे हैं। देखिए, आम दिनों में यहाँ पर कितनी भीड़ रहती है, जाम की स्थिति बना करती थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरह से सुनसान है। चंदा रोड में आप देख सकते हैं कि लोगों की आवाजाही है, कई लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि चंदा रोड का इलाका है, ये बसें यहाँ पर आ रही हैं, बसों का आवागमन तो अभी जारी है, लोग सीमित संख्या में बसों में बैठ रहे हैं, लेकिन ये वह इलाका है जहाँ पर आम दिनों में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर पूरी तरह से सुनसानपन और सूनापन दिखाई दे रहा है, लोग अपने घरों के अंदर बने हुए हैं। कोरोना कर्फ्यू के कारण लौकुश नगर की गलियों के कैसे हाल थे, हम ये आपको दिखाना चाह रहे हैं अपने इस खबर के माध्यम से। देखिए, हम आ चुके हैं सिंचाई कॉलोनी, चंदा रोड के सिंचाई कॉलोनी के उस इलाके में जहां पर लोग काफ़ी तादाद में रहा करते थे, इकट्ठे घूमा करते थे, लेकिन आज यहां पर कोई भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लौकुश नगर के इस गुढ़ा तेगेला की हम आपको दिखाना चाहते हैं तस्वीरें, गुढ़ा तेगेला में कैसा हाल है। यहाँ पर आम दिनों में कितनी चहल पहल हुआ करती थी, लोग कितने संख्या में यहाँ पर बैठ कर के आपसी चर्चाएं और व्यापार किया करते थे, लेकिन आज यहाँ पर आपको कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है, मात्र एक या दो लोग घूमने किसी न किसी कारण से निकलते दिखाई दे रहे हैं। हम आपको ये तस्वीरों के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, तस्वीरों के माध्यम से ये वो इलाका है जहाँ पर आम दिनों में काफ़ी भीड़ हुआ करती थी,
हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको लौकुश नगर की गलियों की खबर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर घर बैठे आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लौकुश नगर में कोरोना कर्फ्यू का कैसा हाल है यह हम आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन में आपको घर बैठे दिखा रहे हैं। MP7 न्यूज़ की टीम का मात्र उद्देश्य इतना है कि आप अपने घरों में बने रहें और कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, अनावश्यक सड़कों पर ना निकलें, संभवतः जितना भी हो सके लोगों से सामाजिक दूरी बनाकर रखें। जो हमारी सरकार ने कहा है 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, यानी मास्क लगाना भी हमें बहुत ज़रूरी है। यदि किसी कारण से आप घरों के बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर निकलें और बिना किसी उचित कारण के आप अपने घरों से ना निकलें। यह आप तस्वीरें देख रहे हैं लौकुश नगर के चंदला रोड की। चंदला रोड पर आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये नए बस स्टैंड का वो इलाका है जहां पर कितनी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज यहां पर देखने को लोग नहीं मिल रहे हैं। किसी न किसी उचित कारण के ही लोग निकल रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निकल रहे हैं। लोगों की दुकानें बंद हैं, कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं लौकुश नगर के चंदला रोड की तस्वीरें हैं। लौकुश नगर की ये महोबा रोड के आपको हम हाल दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम खड़े हुए हैं लौकुश नगर के पुराना बस स्टैंड तिराहे पर। महोबा रोड का आप हाल देख सकते हैं, यहाँ पर भी कितना तरह से सुनसान और लोगों की आवाजाही ना के बराबर दिखाई दे रही है। आगे शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर लोग अपना इलाज कराने के लिए दिखाई दे रहे हैं, एक या दो लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए आप चंदला रोड का हाल, चंदला रोड पूरी तरह से सुनसान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बस भी, यात्री बस भी खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये छतरपुर का ये इलाका, छतरपुर रोड का इलाका, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस के जवान भी खड़े हुए हैं जो लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि अनावश्यक कार्य से घरों से बाहर ना निकलें। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले यहाँ पर पुलिस के जवान लोगों को हिदायत दे रहे थे कि आप अनावश्यक घरों के बाहर ना निकलें। हम आपको लौकुश नगर की पूरी गलियों का, पूरी बस्ती का आपको अपने इस चैनल के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से आपको घर बैठे पूरा हाल दिखाना चाहते हैं। आप ये देख सकते हैं लौकुश नगर का सबसे व्यस्ततम इलाका, सबसे व्यस्ततम इलाका है। आम दिनों पर यहाँ पर बहुत जाम की स्थिति बनती थी। ये वही पुराना बस स्टैंड का इलाका है जहाँ पर आम दिनों में जाम की स्थिति बना करती थी, लेकिन आज यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू के कारण लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप इस खबर के माध्यम से लौकुश नगर के उस व्यस्ततम मार्गों की तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर लोग आम दिनों में काफ़ी संख्या में घूमते दिखाई देते थे और अपने कार्यों के कारण भी लोग घरों के बाहर निकलते थे, लेकिन आज यहाँ पर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद दिखाई दे रही है।